और आज टीम इंडियन आइडल उन्हें और उनके संगीत को खुशी खुशी सेलिब्रेट करेगा। इस हफ्ते लता जी की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनकी चमकती और अनमोल आवाज की महक को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ हैं द लिविंग लेजेंड, जिन्होंने लता जी के साथ ही अपने करियर की पहली फिल्म का पहला सुपरहिट गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिया। लता जी ने जिन म्यूजिक डायरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा गाने गाए हैं वो हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से द जेम ऑफ अ कंपोजर प्यारेलाल जी हमारे साथ हैं। अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर हिम। हमारी सरस्वती माँ दीदी जो सासुरू की रानी, हमने हमारा बचपन वहीं निकाला है। हमने सीखा मतलब वायलिन सीखा है और फिर कंपोजिशन, लेकिन हमने काम जब शुरू किया था उस टाइम एज थी 9 साल की। 9 साल की उम्र में मैं इनका दर्शन किया, पाँच हुआ था। हाँ, वो आशीर्वाद जो मुझे हमको मिला, लक्ष्मी को भी मुझे भी, वो ज़िंदगी भर है। और मैं हमेशा सुबह उठता हूँ और रात को सोता हूँ तो दीदी का नाम लेके सोता हूँ। दीदी आपका आशीर्वाद चाहिए। बुलाते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट को। अगले हफ्ते फाइनली दिखेगा जिनका सीक्रेट दीवाना विदिप्ता चक्रबोर्ती में बहुत ही खूबसूरती साउंड सिंगिंग वर्ड्स ब्यूटीफुल लिया है. गॉड ब्लेस. थैंक यू सो मच. जिन्होंने लता जी को साक्षात सामने सुना है, गाने उनके साथ बैठ के कंपोज किए, उनको गवाया है, उनसे आपको तारीफ मिल जाए तो और क्या चाहिए. दो एकदम अलग स्टाइल के गाने हैं. होठों में ऐसी बात में देयर इज डांस, देयर इज क्या बोलते हैं, पुकार है इसमें, मतलब इजहार है. और उसमें मतलब क्या जिस तरह से होठों पे ऐसी बात, वो होठों पे ही उन्होंने मतलब जान ले ली. होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात. क्या बात है, मतलब वो एक शब्द में बात खत्म. और बाहों में चले आओ इज ऑल यू नो अभिनय, एक्टिंग, नज़ाकत है, फेमिनिटी की, मतलब इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट. आई थिंक समवेयर आई फील यू नो लता जी ऑल्सो वाज एन एक्टर व्हेन शी स्टार्टेड. शी वॉज वेरी स्मॉल. आई थिंक मैंने जहाँ तक मुझे मालूम है, पढ़ा है मैंने उनके बारे में, 13 साल की उम्र से उन्होंने शुरू किया स्टेज एक्टिंग, फिर उन्हें फिल्म में काम किया. तो आई थिंक वो जो एक कॉम्बिनेशन है ऑफ गाना एक्टिंग ही है अल्टीमेटली, तो आप में भी वो कहीं ना कहीं है, एक एक्टिंग का तो दिख रहा है मुझे. सो वो आपके गाने में भी आ रहा है. क्या बात है, कमाल. थैंक यू सो मच. किसी का अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता. इस पे खत्म बात. वाह वाह. चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को. मिली देश को इस डेकेड की सिंगर सबसे खास, सर्वगुण संपन्न, लता जी की दीवानी शेजूती दास. शीशा हो या दिल हो, जाने जा कितने घर भूखे जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दे लिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। तन्हाई मिलती है, महफिल नहीं मिलती, राहे मोहब्बत में कभी मंजिल नहीं मिलती, दिल टूट जाता है, नाकाम होता है, उल्फत में लोगों का यही अंजाम होता है, कोई क्या जाने क्यों ये परवाने यूं मचलते हैं, हम भी चलते हैं, आहें भर भर के दीवाने जिया करते हैं, आहें भर भर के दीवाने जिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। आज लक्ष्मी जी की याद आ रही है सब। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। ये सब बातें जो है ना सब लक्ष्मीकांत जी ने की हुई है। बता रहा हूँ आपको। आज यानी जो गाना है जी सर। हम सोचते थे कि भाई कुछ भी हो जाए, हमारी दीदी एक कैमरे तो आई, खासकर हेलन जी ने खुद कहा था कि आप लोग सोचा कैसे आप लोगों ने। अभी आप खुद गौर कीजिए, दिन तक डी माइनर दा रा 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 दी रा डा डा रा डा तू देखे ना इधर जो है ना दा ला 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 दा डा 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 दा डा 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 ओ जालिम आ जाना। जाने जा ये हमारे दीदी और लक्ष्मीकांत जी ने ये चार चांद लगा के दिखाया, जो सच बोल रहा हूँ मैं आपको, कितना अच्छा लग रहा है। क्या बात। तो संगीत में कोई एंड कुछ नहीं है, बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू सर। मैंने बहुत शोज़ प्यारे भाई के साथ किए, प्यारे भाई के साथ टाइम भी बिताया है। बहुत कम ऐसा होता है कि गाना चलते वक्त प्यारे प्यारे भाई मेरी तरफ देख के कहते हैं अच्छा गाती है। अभी अंकल कह रहे थे कि उन्होंने गाने बनाए और लता जी एलिवेटेड दी सॉन्ग्स टू अनदर लेवल। जब वो माइक पे जाती थी तो मतलब शेरनी के जैसे गा के आती थी, लाउड नहीं बट आप देखो, आप सुनो इन गानों को तो खुली हुई आवाज़, लग रहा है सिंपल लेकिन कितना कुछ कर गई इतनी सी लाइन में। दिस वॉज लता जी, शी इज़ गोना बी लाइक दैट रॉक स्टार। आई इन माई ओपिनियन शी इज़ अ रॉक स्टार। संजूती तुमने मौसम बदल दी। तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को। माधुरी दीक्षित ने दी, जिनको अपनी कसम, कूल डूड, सेक्सी शिवम। गाना बिना रोए नहीं सुन सकती। कोशिश न कर मैं तेरे इश्क में। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम्हीं कह दो अब जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं। साना नहीं अच्छा। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। तुम्हीं कह दो अब जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता चंदनी क्या बात है, खूब भालो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो सुरों को जो पकड़ा इन्होंने और जो कंपोजिशन है उसके अंदर बहुत ये होना चाहिए सिंगर में। आपको आशीर्वाद मिल गया उधर से। मेरे दिल की बात है, वो दिल में ना रह जाए मेरे, उसको बता दो। दा दा रा रा रा, ये ऐसा है, ये प्लीज दा रा रा रा, क्रोमैटिक नोट, दा रा रा रा, लीजिए क्रोमैटिक दा 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 रा। दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा, उम्मीदों के कट, उम्मीदों के दरा दा दरा, उम्मीदों के। हाँ, लेकिन उसमें प्यार चाहिए। उम्मीदों के डडा गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा। क्या बात है प्यारे भाई। ये दिल तुम, ये ना, ये दिल तुम बिन, ये दिल तुम बिन, ये क्या बात। ओहो, ये जो सीखने मिल रहा है ना शिवम, ओह इमोशनल हो गए। क्या हुआ, हो गया भाई, क्या हुआ भाई? ओ आज का ये जो दिन है ना, ये बहुत स्पेशल दिन है सभी सिंगर्स, सभी सिंगर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए। हम लता जी के म्यूजिक को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसीलिए शिवम काफी इमोशनल हो गए हैं। ये है बड़ा असली बंदा है, बहुत रियल जज्बात है ये। तो विशु जी, मेरे भी दिल में कोई जज्बात उमड़ रहे हैं, क्या मैं भी अपनी जो इमोशन है प्रकट कर सकता हूँ? सर प्रकट कीजिए सर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ओहो हो, क्या गाना था, किशोर दा ने गाया था। हो जाए अच्छा, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। कमरे में बंद हो और छवि खो जाए। क्या बात है, क्या बात है। तेरे नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और छवि खो जाए। तेरा यहाँ तू वो जो उस अयोध्या से है जहां आज संगीत की देवी लता जी को सम्मानित करने के लिए उनके नाम का चौक और उस पर 40 फीट की वीणा बनाई गई है। ऋषि सिंह, चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। किनारे पे भी तो लहर ना डूबोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। थैंक यू, थैंक यू। हमें और जीने की चाहत ना होती। मुझे एक बात समझ में नहीं आई है, हर बार बोल रहे हैं अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, बट वो तो यही है। कौन? काल्पनिक, काल्पनिक अवस्थी मेरा दोस्त है, बहुत ही अच्छा इंसान है काल्पनिक अवस्थी। विदीप्ता कोई कनेक्शन है? नहीं सर। नहीं नहीं तो बिल्कुल कसम खा लो, बिकॉज नेशनल टेलीविजन में इतने ज्यादा इंडियन आइडल की व्यूअरशिप है, विश्व भर में तुम लोगों को इतना प्यार मिलता है, उन लोगों के सामने वो लोग उम्मीद के साथ देखते रहते हैं कि अरे विदीप्ता और ऋषि की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी, ये दोनों डिनाई करते रहते हैं, तो बस कसम ही खा लेना ताकि लोगों का वो जो वो उम्मीदें जागती है वो निकल जाए उनके दिल से, बस कसम खा लो। कैसे खाओगे? दोनों की शक्लें तो देखो, इम्पॉसिबल है। ये एक शर्मा रही है, एक मुस्कुरा रहा है। ओह माय गॉड, मेरा दिल धक 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 करता है। अच्छा चलिए छोड़िए, ऋषि नहीं खा रहा है, आप विदीप्ता आप खा लो। नहीं, कोई एक भी खा लेगा तो खत्म हो गई मैटर, खत्म इधर ही। सर वो पहले बोले फिर करता है। बॉल फेंक दिया गया है हमारे ऋषि के कोर्ट में। चलो सर, हम दोस्त ही रहना चाहते हैं। सर दे आर जस्ट फ्रेंड्स सर, फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स सर। अब वो बेटी जो बिछा देना चाहती है अपने पापा के कदमों पर दुनिया का हर जॉय, देवोश्मिता रॉय। आदि भैया, कल मेरा एक सपना आया, उसमें मैं देखा लता जी मेरा सर पे हाथ रख के ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, तो अरे देवोश्मिता, ओह आई थिंक द होल वर्ल्ड, पूरे भारत में ऐसा कोई आँखें नहीं थी जो नम नहीं थी। और देवोश्मिता जिनके सामने गा रही हो, जिनकी जिक्र हो रहा है इस मंच पे, आज कुछ जादू है, तुमको लग रहा है ना? और जो सपने में आया था वो सच ही है, वो आज सर पे हाथ है तुम्हारे ऊपर। तो आज बिल्कुल एक भी आंसू मत बहाओ, क्योंकि तुम्हें गाना है, बहुत अच्छे से गाना है। I am so lucky कि उस ज़माने हम लोग काम भी करते थे एज ए कंपोज़र, लेकिन मदन मोहन जी के साथ और कुछ लोग चित्रगुप्त जी अंडा साहब का काम करते थे। तो ये गाना हम बजा रहे हैं तो मैं ठीक से नहीं बजा रहा उसको, दरा तो मैं गया तो मदन जी सुना रहे मुझे, हाँ तुम लिख लो ठीक से। तो उनका क्या था कि वो हमेशा थोड़ा थोड़ा चेंज गाते थे, एक जैसे गाते थे। तो आप लग जा गले के फिर डा अलग थोड़ा कहते थे। तो इन लोग दीदी ने ठहरे तुम बैठो उधर, बैठ गया मैं। फिर थोड़ी देर के बाद में आओ जरा लिख लो डा डा। मुझे अभी तक याद है ये हरकत, ये मुर्गियाँ इस गाने की याद है। और मदन मोहन जी क्या तारीफ़ करूँ उनकी मैं, हमको कोई लाया कि नहीं उनकी। My mind is blown. मदन मोहन साहब के गाने में जो पीसेस हम सुन रहे हैं वो बजाए हैं लक्ष्मीकांत साहब और प्यारेलाल साहब ने बजाए। क्या बोलूँ, क्या तारीफ करूँ आपकी, तारीफ उस खदा की जितने आपको बनाया। थैंक यू। मैं एक जुर्रत करना चाहता हूँ, अगर प्यारे भाई मुझे इजाज़त देंगे और श्रेया मुझे इजाज़त देंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्रेया से कि आपके साथ में गाएँ ये गाना। If you don't mind, because मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे क्या बात है ऋषि सर। No, you know I mean it. ज़रूर ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। क्या बात है। प्यारे भाई की तरफ से हम आपको कहते हैं बिकॉज वो हमको कह रहे हैं कि श्रेया तुमने मौसम बदल दिया। So sweet. I'm so honored. You're too kind. HR, I love you. Vishu, I love you. Woo! क्या बात है। तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, चिराग कोतवाल। कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और आप दीदी का आशीर्वाद है मैं पर, बहुत बहुत आशीर्वाद है। एंड थैंक यू सो मच, आपने बहुत बहुत अच्छा गाया, अच्छा लगा। वेरी वेल जीतू जी, वेरी फाइन प्लेइंग, थैंक यू। देखिए आप लोग को याद होगा या नहीं याद होगा, ये गाना मैंने फर्स्ट टाइम यहीं पे बजाया था वालिंग जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, सोनाक्षी कर। चेहरा बदल जा क्या बताऊं मैं देख रहा हूं उनको इस गाने के वक्त कैसे वो कर रही थी और जो गाया था इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम कहने का अंदाज सत्यम शिवम सुंदरम और कनेक्ट कर रही थी उन्होंने कनेक्ट किया था सत्यम शिवम सुंदरम 1 2 3 4 डा 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 कंडक्ट किया गाते 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 पूरे ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट किया है लता जी ने ये कह रहे हैं प्यारे भाई अनबिलीवेबल। ये गाना बहुत बड़ा गाना है। इस गाने को मतलब गाने के लिए ना मतलब बहुत तपस्या करनी पड़ती है। इसको गाने की हिम्मत जुटाने के लिए बहुत महीने लग जाते हैं। तो इसको निभाने के लिए जो तुमने एफर्ट लिया और जो हिम्मत जुटाई और जो गाया, क्या गाया सोनाक्षी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि हम लोग दिल से तुम्हें कहना चाहते हैं कि तुमने मौसम बदल दिया। और अब आ रहे हैं ऋषि और विदिप्ता। बरस की, मैं 16 बरस की, तुम्हें 17 बरस का, 16 17 17 16 जजेस, ये एक नॉन कम्पेटिटिव एक्ट था। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, जैसे ही आपने शुरू किया। ये देखा आपने? जी मैं देख रहा था जी, वही मैं कहने वाला था। यहाँ पे 16 और 17 का अलग ही किस्सा चल रहा है। श्रेया का और इसका भी चल रहा था ना। हिमेश, तुम लोगों को छोड़ोगे दोनों का? हम लोगों की रील्स बन रही थी। हम लोग रील पे रील बनाए जा रहे थे। अच्छा, इसको कहते हैं रील और ये है रियल। एंड दिस इज इवन मोर रियल। इससे रियल हो नहीं सकता। श्रेया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी लता जी के साथ पहली मुलाकात कैसे हुई? मेरी पहली मुलाकात तो जैसे कह रहे हैं ना, वो मुलाकात नहीं होती, वो दर्शन होता है। क्या बात है। तो मुझे उनके दर्शन प्राप्त हुए उनके ही स्टूडियो में, स्वरलता स्टूडियो में। मैं बहुत अक्सर जाया करती थी उस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग्स करने के लिए। तो मैं आपका फ्लोर पे कुछ गाना रिकॉर्ड कर रही थी और मुझे सडनली मेरा सब रिकॉर्डिंग वाले जितने इंजीनियर्स थे सब ने बंद बंद करके मुझे बोला, आप आ जाओ, बाहर आ जाओ। मैंने कहा क्या हो गया, कुछ गलत गा रही हूँ, गड़बड़ हो गई, क्या है? मैं आई तो आके, नीचे जाइए, नीचे जाइए, जल्दी जल्दी, इट्स अ सरप्राइज़ फॉर यू। तो वो लॉबी में एक सफ़ेद साड़ी, डायमंड्स झलमल झलमल झलमल, कान में एकदम, इधर हाथ में, और एक स्माइल। मैं तो मतलब शायद वहाँ पे मैं गिर नहीं गई, वो बहुत बड़ी बात है। आई डोंट थिंक मैंने कहीं एक भी करेक्ट शब्द उधर मैंने उच्चारण किए होंगे। मुझे पता नहीं था क्या बोलना चाहिए उनके सामने। वही होता है व्हेन यू मीट समवन यू एडोर सो मच. बट उन्होंने मेरे साथ बात की और मैं बहुत नई थी उस वक्त. मेरी एक दो पिक्चरें ही उसके फिल्मों के गाने आए थे, बट उनको मेरे सारे गाने पता थे. उन्होंने ये कहा कि तुम जब दूसरे लैंग्वेजेस में गाती हो, भाषाओं में गाती हो, बहुत अच्छा गा रही हो, बट तुम जब बांग्ला गाती हो तुम्हारा मैं समझ जाती हूँ तुम प्रवासी बंगाली हो. कि मेरा वो जो थोड़ा बांग्ला करेक्ट एकदम कोलकाता वाला बांग्ला नहीं है. मैं तो कि इतनी अच्छे से उन्होंने मुझे सुना है, ये सोच के ही मैं तो पागल हो गई. आई फील वेरी ऑनर्ड कि मुझे उन्होंने इतना प्यार दिया, अपने दिल में रखा, मुझे याद किया उन्होंने. जब भी मेरे गाने सुने हैं उन्होंने याद किया मुझे. मैं बहुत बहुत लकी. और अब आ रहे हैं नवदीप वडाली. ग्रेट. बहुत क्या कहना है इनका, अंदाज, कहने का अंदाज और क्या क्या चीज़ें. बहुत थैंक यू. ये गाना मैंने इतने बार सुना हुआ है. ये बिल्कुल ही अलग तरीके की पेशकश थी और मुझे इतना मज़ा आया. आपने इसको अपना लिया. थैंक यू मैम. अपना लिया. थैंक यू. एक और बात मुझे वाकया याद आता है कि मैंने कहीं अंकल से भी सुना था, कल्याण जी अंकल से, और बाद में एक इंटरव्यू भी में मैंने सुना। तो लता जी को कभी दिलीप कुमार साहब ने ये बात कह दी थी, शी वॉज ट्रैवलिंग, और उनको एक बात उन्होंने कह दी थी कि लता तुम्हारे गायकी में तुम्हारा एक्सेंट आता है, तुम जब हिंदी गा रही हो तुम्हारा मराठी एक्सेंट आता है। तो कहीं ना कहीं उनको दिल पे बात बहुत लग गई थी और उन्होंने अपने लिए एक उर्दू टीचर रखा और उन्हें बकायदा उर्दू सीखी, भाषा सीखी। और आप कभी उनका डिक्शन इधर से उधर नहीं देखेंगे, कभी नुक्ता इधर का उधर नहीं गया है, करीब नहीं बोला उन्होंने, हमेशा करीब बोला है, क में नुक्ता आया है। वो है ज़रा, उसमें है पे बिंदी, मतलब आप मिस नहीं कर सकते। हम कभी वो है ज़रा गा देते हैं, वो है ज़रा खफा खफा, हम सीखते हैं, यही हमारा टेक्स्ट बुक है, हमने सीखा सब कुछ इनको ही ऑब्जर्व कर करके। ये डेडिकेशन लता जी की, वन एंड ओनली लता मंगेशकर जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.